नमस्कार दोस्तों, मैं जय पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी आप अपना ये वेबसाइट जो है, कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट जो भी है, आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऐसा सिंबल दिखाई देगा, इज इक्वल एम। देखिए ये वाला सिंबल आपको दिखाई देता है, ये वाला, तो आप इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो चलिए मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूं एक बार ओपन करके, देखते हैं वहां पर कैसे दिखता है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइड लेते हैं। यहां पर देखिए ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सेटअप करेंगे, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, सेम इसी तरह से ही आएगा। ये देखिए सेम इसी तरह से आता है, इसको आपको कैसे रिमूव करना है चलिए आज हम देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये स्क्रिप्ट दे देता हूँ, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है रिमूवर फॉर ब्लॉगर, ये बॉडी सेक्शन में आपको डालना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से ये जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है, नीचे तक, यहाँ तक, यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है आपके ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद थीम पे क्लिक करना है, जैसा कि ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके एडिट HTML इस पर क्लिक कर देना है, और ध्यान रहे कि आप बैकअप भी ले सकते हैं। ये सब करने से पहले आप बैकअप भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझसे गलती नहीं होगा, लेकिन आपसे हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बैकअप ले लीजिए, यानी कि अपने जो भी थीम्स हैं, जो भी आपका वेबसाइट है, उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए कि अगर आप कुछ गलती भी करते हैं तो आप डायरेक्ट वहां पर रिस्टोर करके आप अपना पा सकते हैं। अब यहां पर क्लिक कर दीजिए कहीं पर, और यहां से दबाइए कंट्रोल F, और यहां पर लिखिए BODY। ये बॉडी सेक्शन में आपको पेस्ट करना है, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बॉडी लिख के आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहां पर देखिए बॉडी आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर आपका हेड सेक्शन क्लोज रहेगा वहां के बॉडी में आपको डालना है। तो अभी इंटर करिए, मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पहचानना है कि कहां पर इसको पेस्ट करना है। चलते जाइए, जैसे ही आपको इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहां पर देखिए ये हेड सेक्शन क्लोज इसका हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये और ये है हेड सेक्शन क्लोजर का साइन, ठीक है। और यहां से देखिए आपकी बॉडी स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक इंटर का क्लिक करना है, यहां से नीचे, और करने के बाद आपने जितने भी उसको कॉपी किया है उसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप उसको सेव कर दीजिए। अब आपको मैं पहचान बता दिया हूं कि किस तरह से आपको पहचानना है। इसको एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप यहां पर आ जाइए। यहां पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखिए आपका पेज ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हुआ रहेगा तो आपका पेज ओपन नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए आपका पेज रेडी है, और ये भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और सेव भी कर दिया है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको फिर से एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, देखते हैं वहां पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने ओपन किया था तो वो अभी स्क्रीन पड़ा हुआ है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा सेटिंग हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए वो सिंबल जो है हट चुका है। तो इस तरह से आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपका भी सिंबल यहाँ से हट जाएगा, जो M इज इक्वल टू आ रहा था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका। लेकिन हाँ, जो भी कुछ करें आप अपने वेबसाइट को पहले एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इसमें कुछ छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि ये अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आप अपना पूरा जो भी सेटिंग, जो भी ब्लॉग वगैरह लिखे रहेंगे वो सब आपसे डिलीट, यानी आपका जो भी है आपने अच्छे से किया रहेगा वो सब आपका डिसमिस हो जाएगा। बाकी डिलीट तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपका पोस्ट सेपरेट रहता है, फिर से आपको सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।